तो जी भाइयों, हम जस्ट अभी ऊपर आए। वैसा आज का व्लॉग तो दीपशिखा ने शूट किया है, किया है नहीं किया? कहाँ जा रही है? तो भी तो तैयार होके किसके मेरे है किसी का तो नहीं। किसकी लगन में चलना है जी? किसी की ठीक है, तो मेरे किसी भाई की लगन आ रही हो, किसी का ब्याह हो। अब मैं शूट्स नहीं दिखा पाई, आफ्टर लुक नहीं दिखा पाई। आओ रीना, ये तो पिगमेंट दे दे यार। अब क्या चाहिए? लुक इन द कैमरा स्लोली। तो जी भाई को देखो, दीपशिखा ने शूट तो किया है। ये सब भाई देखो, आदमी सोवे किंगर बैठे किंगर। देखो सो, नींद आ रही है जल्दी। राम राम जी, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक भाटी। तो जो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले वाले व्लॉग को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो जो मेरे छोटे भाई देख रहे वैसे अपना सपोर्ट बनाए रखो, और जो मेरे बड़े देख रहे वैसे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो जी भाई, नहा धो के हो चुके तैयार और अभी आगे बैठे जस्ट नीचे, क्योंकि भाई ऊपर चल रहा है दीपशिखा का शूट। ठीक है, तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में दुकान पर। तो अभी ऊपर चल रहा है दीपशिखा का शूट, अभी आपको वो भी दिखा के लाता हूँ। ठीक है, तो चलो जुड़े रहो और दिखाते हैं आज पूरे दिन क्या करते हैं। और बस आप सब ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, और बस एक ही चीज़ कहनी है, अगर आप ब्लॉग एंड तक देखते हो ना तो बस कुछ मत करना, एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो अभी चलते हो ऊपर, अभी भूख लग रही है कैडी, आध बने पीले चावल, फिर आपको दीपशिखा से मिला बनाते हैं। तो जी भाई, दीपशिखा जितनी बिजी है ना, मोको रोटी दे रही ना सब्जी दे रही, पेप्सी वाली कहाँ जा रही है भाई? दीपशिखा आज बहुत बिजी है, कोई बात ना, जब फ्री हो जाएगी जब बात करूंगा तुझसे। ठीक है, और जो दीपशिखा शूट कर रही है अब दीपशिखा ही दिखाएगी। ठीक है, जो नहीं नहीं तुम्हें दिखाओ। ठीक है, हाँ यहीं कैच कर, कौन जा तू जाग दिखा। ठीक है, तो भाई जो भी शूट करेगी आज दीपशिखा दिखाएगी। भाई हम चलते हैं दुकान पे, और इतना आप जाकर देख करो कि दीपशिखा कैसे शूट कर रही है। एंड वेलकम टू ऋतिक भाटी ब्लॉग्स। सो कैसे आप सब लोग? सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर ब्लॉग्स। तो गाइज, आज का दिन हमारा पूरा हसल डे है हमारे लिए, और हमारा वर्क डे है। और आज हमारे घर पे कौन है? अरे यार दिख गई है तो पीछे। आज हमारे घर पे आई है रीना दीदी। तो रीना दीदी आज आई है हमारे घर पे फर्स्ट टाइम। तो क्यों आए आज आप, ये बताइए, कैसा लगा आपको आके? अच्छा लगा, रहूंगी तो शाम को भी बता के जाऊंगी। अच्छा, शाम को रिव्यू देखी जाएगी, तुझे कैसा लगा यार? है तो किस रीजन से आई है ये भी बता दे। तो मैं शूट करने आई हूं, दूसरे आपसे मिलने आई। यस, तो गाइस आज है हमारा शूट, ये रहे हमारे आउटफिट, ये है रीना की मॉडल, ये मेरा आउटफिट, और मेरी मॉडल तो बाहर अभी चली गई, वो खड़ी उसका हाथ दिख रहा है। तो चलो मैं बताती हूँ, ये आउटफिट आज हमारे शूट्स के आए हैं SLB लहंगा स्टूडियो से, जिनकी शॉप है नई सड़क चांदनी चौक में। एंड आउटफिट गाइज बहुत सुंदर है, जब मतलब मॉडल वेयर करेगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी मॉडल ये दी, तो हर नेम इज स्नेहा शिवानी, मैं इनके नाम में हमेशा कन्फ्यूज हो जाती हूँ, शिवानी। ओके चलो, और हमारे आउटफिट ज्वेलरीज अभी आ रहे हैं, अब करते हैं शूट स्टार्ट। मेरी अब मैं जाके मतलब आउटफिट ज्वेलरी सारी मेरी आ चुकी है, और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। यहाँ चल रहा है रीना का मेकअप, आई मेकअप हो भी गई थी जल्दी, वेरी गुड। और मेरा देखो अभी, क्योंकि मैं ये दूसरा आउटफिट आया, ये ज्वेलरी आई, मैं इनको लाने के चक्कर में रह गई, और अभी मेरा ये आई मेकअप पूरा भी नहीं हुआ, अब स्टार्ट कर रही हूँ। चलो पूरा करके दिखाती हूँ लुक फिर। आओ रीना, ये तो पिगमेंट दे रही यार। अब क्या चाहिए? पिगमेंट डरना लेके जा रही है। बता, मैं ये पूछ रही हूँ कौन सा वाला लगाऊंगी, कहाँ लगाना है? ये ना कॉर्नर पे, तो उस पे ये नहीं, ये लगेगा, ये डार्क हो जाएगा, ये सिल्वर का कोई मतलब नहीं बनता, ये लगेगा। ओके थैंक यू, इट्स ओके, पूछ सकते हो। मुझे रेडी करना है। कैसा लग रहा है? सुंदर, अति सुंदर, देखो लिपशेड अच्छा लग रहा है ना। गाइस इसने मेरा मरून चूड़ा था जो मुझे ब्राइड को पहनाना था, और वो अपनी ब्राइड को पहना दिया है। मैं सही लग रही है ज्वेलरी? क्या बड़ा मोए मोए कर रहा है उसने, मोमोज इतने सारे और चटनी नहीं है, बिना चटनी खा लेगी ना? नहीं तो अब खत्म भाई, ये देखो दो इतनी सी थी, आधी उन्होंने ली आधी मैंने, सो सॉरी। आ जाओ
हो गया सब कुछ, खा लिया आपने? कैमरा इधर दिखाओ, मैंने देखो मेरे बच रहे हैं, थोड़े से बच रहे, आपका हो गया डन, सबसे पहले खाया है उन्होंने। डी कोल्ड ड्रिंक, फोटोज देखना कहाँ पे सही आ रही है, कि वो होने के बाद ना फोटोज बैठ गई। लुक इन द कैमरा स्लोली गाइस, ना क्लियर आ रहा थी ना देख, फ्लावर वाले हेयर दिखाओ, स्टॉप पोज पॉज। तो जी भाइयों, हम जस्ट अभी ऊपर आए, वैसा आज का व्लॉग तो दीपशिखा ने शूट किया है, किया है नहीं किया, किया है ठीक है, हमारी रीना दीदी ने तो आप जानते ही हो ठीक है। तो भाई ये सब क्या, कहाँ जा रही हो तैयार होके हैं? अरे ये गाउन शूट के लिए है। और ये तो भाई तुम इतनी श्रद्धा से कहाँ जा रही है? मैं भी शूट हो रहा था, तो मेरा मन करा कि मैं, मेरी शक्ल देखियो और देखो इनका दीप शिकस तैयार हुई बैठी है, तो जब तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ। हाँ हाँ रिसेप्शन में ही चल रहे हैं अभी, हमारा फिर तो रिसेप्शन आज ठीक है। और सुनो रीना दीदी ठीक हो? क्या मौज आ रही है, खाना वाना खाया नहीं? रीना दीदी बिन खाना खाए मत भेजना। कहाँ जा रही हो तो भी तो तैयार होके? किसके, मेरे है किसी का नहीं। भाई अगर किसी का भी रिसेप्शन है, किसी का ब्याह है, लगन है, सगाई है, तो हम बुला लो, हम तैयार बैठे, थोड़ी देर बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। दीपशिखा तैयार बैठी है भाई, हम भूख और लग रही है, तो वी आर रेडी टू खाएंगे और दावत ठीक है भाई, रोज तैयार हो जा करेंगे, ऐसी नहा धोकर भाई किसी की दावत चलक रहेगी, किसी की दाद गुज जा करेंगे। मैं तो रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी ठीक है भाई। अब ऐसे कर रहे तैयार होगा, जैसे तो दोनों तैयार हो जा करेंगे, कहीं तो दावत चलेगी नहीं, कह देंगे जी हम लौंडा भाड़ी की तरफ तक। तो जी भाई, अब तुम्हारा भाई भी तैयार हो चुका है ब्याह में जाने को ठीक है, ठीक किसकी लगन में चलना है जी? ठीक है, तो मेरे किसी भाई की लगन आ रही हो, किसी का ब्याह हो तो बुला लो, हम तैयार है ठीक है। चलो तो भाई अब वीडियोस बना दे तगड़ी तगड़ी। यार पता है मैं ब्लॉग में शूट्स नहीं दिखा पाई, आफ्टर लुक नहीं दिखा पाई, किराए की है तो तू हसल इतनी हो गई थी, मतलब तो कुछ तो दिखाया होगा, बिजी इतने हो गए, बिजी कुछ तो दिखाया होगा, मतलब बिफोर दिखाया है, इन बिटवीन दिखाया है, उनका आफ्टर लुक में नहीं दिखा पाई। कोई नहीं, वीडियोस तो होंगी वो डाल, जबकि वो इतनी सुंदर लग रही थी दोनों मॉडल्स। कोई नहीं भाई, वीडियोस होंगे ना जो वो डाल देंगे ठीक है, जो वीडियो मैंने जो रेडी की थी ना वो देखना, बहुत सुंदर लग रही थी ठीक है। चलो तो भाई अब वीडियोस बना के मिलते हैं ना। शूट हो गया डन, फाइनली इट्स बैक अप। तो हुआ ये था कि हमारे, मतलब मेरे दो शूट्स थे, एक रीना का था, तो जो मेरी एक मॉडल थी वो एट अ टाइम किसी रीजन से नहीं आ पाई, और आउटफिट एंड ज्वेलरी आ चुके थे, तो फिर मैंने अपने ऊपर ही वो शूट कर लिया था जो आपने देखा था ब्लू गाउन वाला। और अब एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे को तो देख देख के घबराहट हो रही है इस मेस को, कि मैं क्या कैसे करूँगी। देखो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो अभी बर्तन लेके जाऊंगी नीचे, देखो मतलब क्या हालत हो रही है रूम की, सारा मुझे साफ करना है और बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलो पहले सफाई कर लेते हैं, पहले बर्तन ले जाऊँ नीचे, ते हैं पहले सफाई, सबसे पहले मैं बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं, इतना सारा कूड़ा हो चुका है। बस मुझे एक गलती हुई कि मतलब मैं आफ्टर लुक नहीं दिखा पाई थी, मतलब जो मैंने मेकअप किया था वो, कोई नहीं मैंने मतलब जो वीडियोज़ बनाई है ना उनकी क्लिप्स ऐड कर दूँगी इस ब्लॉग में, फिर आप बताना हाउ वॉज माई मेकअप। मैंने तो बेस्ट ही ट्राई किया था, और आप लोग कमेंट करके बताना ओके। पूरे रूम में ना चिली पटेटो और मोमोज की महक हो गई, या फिर हेयर स्प्रे की, हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है ना, उसकी भी महक हो जाती है। चलो मैं पहले और सफाई कर लेती हूँ। तो गाइस अब बेटे रूम की सफाई फाइनली पूरा सारा एक तरफ कर दिया,
अच्छी अच्छी चीज़ एक तरफ कर दी। तो अब मैं वैसे बताती हूँ फर्स्ट दिन गोवा गया था, तो मेरे थे मतलब दो शूट्स, एक शूट था रीना का, तो मेरी दो मॉडल जानी थी, रीना की जो मॉडल थी वो आ गई थी, बट जो मेरी मॉडल थी वो एट अ टाइम मतलब वो किसी रीज़न से नहीं आ पाई थी। अनफॉर्चुनेटली आउटफिट भी आ चुका था, ज्वेलरी भी आ चुकी थी, तो अब शूट तो करना ही था। जब आउटफिट ज्वेलरी आ चुकी थी वहाँ से, हम लोग ले चुके थे शॉप से, तो शूट करना था, तो फिर एट लास्ट मुझे ही शूट करना पड़ा, जिसकी क्लिप आप ऐड मतलब क्लिप क्या अभी आपने थोड़ी देर देखा ही था कि मतलब मैं ऋतु के साथ हम लोग बात कर रहे थे किसी की लगन सराय में जाने का। लहंगे के बारे में तो वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मुझे लहंगे ये एस एल वी शॉप से है, ये लहंगे बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं। पहले मैंने लहंगे पैक कर देती हूँ, पहले लहंगे पे तो मैंने आपको बता ही दिए थे एस एल वी शॉप से आए हैं, शॉप जरूर विजिट कर सकते हो आप एक बार। लहंगा मतलब बहुत प्यारा है, ये वाला तो कुछ ज्यादा ही प्यारा है, कुछ ज्यादा ही भारी भी है। तो जी भाई को देखो, दीप शिखर ने शूट तो किया है और देखो रूम की हालत, ठीक है देख रहे हो? हाँ भाई देख रहे हो, भाई देख रहे हो, दो लहंगे पैक कर दिए। हाँ भाई वो दिखाओ, दो लहंगे पैक कर दिए हैं। तो इसे तो भाई मैं यार कई आदमी नींद आ रही हो, देखियो क्या भाई, ऐसा कोई डील वील नहीं है भाई, देखो तुम भाई देखियो आदमी सो है किंगर बैठे किंगर। दीपशी का चलो जल्दी साफ सफाई करो उसकी, ओ भाई ये मौज कर दी हुई तो तेने भाई, ये वाली सिंगरी लगवानी है, आप बताओ कहाँ लगवाए, घर फैला रखा है ये देखो। बताऊंगा वो नींद आ रही है जल्दी, तो मैं भी 10 बजे तक ही बाहर हूँ, अच्छा मैं लेकर आया हूँ ये, एक मिनट नहीं बैठी मैं, ठीक है। अच्छा यू कौन लेकर आया बता, यू ये बता, ये तो उसमें आया है छोटे हाथ, तो टम्पुम बैठ के तो मैं ही आया भाई, मैं लेकर आया टम्पुम बैठ के। दीपसी का चलो पहले साफ सफाई कर दो भाई, अभी रूम ना बिखरो आप देखना, 1 2 3 भाई। तो जी भाई फाइनली डन, साफ सफाई हो गई है। चलो तो जी भाइयों आज का व्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और आप जरूर बताना कि दीपशिखर ने जो भी लुक्स किए वो आपको कैसे लगे, है ना। तो बस आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, तो राम राम लव यू, जय बाप मोहन राम की, और सबसे मेन चीज भाईचारा बनाए रखो, और बस एक ही चीज कहनी है, बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और बस ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो और कोशिश करूँगा कि ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँ, तो बस मिलते हैं कल।